दो लाख के आसपास जो नौकरियां होंगी, आप देखेंगे कि 4 से 5 महीने में माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक में शिक्षकों की बहाली हो जाएगी, और उसके बाद 2-4 महीने में प्राथमिक और मध्य विद्यालय के भी शिक्षकों की बहाली हो जाएगी। उसके साथ साथ विशेष शिक्षक की भी बहाली होगी, लाइब्रेरी असिस्टेंट की भी बहाली होगी, पुस्तकालय अध्यक्ष की भी बहाली होगी, चतुर्थ चरण में कंप्यूटर बॉय वगैरह की भी बहाली होगी। ऐसी बहालियाँ भी लगभग 40-45 हज़ार होगी। सरकार के खिलाफ जो हमारे गुरुजन कर रहे हैं आंदोलन, तो उनसे तो यही ना कहा गया है सरकार के तरफ से, हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि भाई आप जो पढ़ाए हैं 15-20 साल, है ना जी, कोई मिडिल को पढ़ाए हैं, कोई मैट्रिक को पढ़ाए हैं, उसी में से अगर कुछ सवाल आपसे किए जाएंगे तो आपको किस बात की तकलीफ है? आपको कोई नौकरी से तो नहीं हटा रहा है? संपूर्ण बिहार वासियों को नौकरी देने के लिए, बेरोजगारों के लिए ये नियमावली आई है कि भाई कैसे हम ज़्यादा नहीं, संपूर्ण बिहार वासियों के लिए नियमावली आई है। तो भाई बिहारी बेरोजगारों को के तकलीफ में सरकार शामिल होना चाह रही है, और लाखों बहालियां होगी भाईजान। अभी तो आपको समझिए जो राज्य स्तर पर जो पद रिक्त थे जिसकी सूचना थी उसका ये आंकड़ा है 1.25 लाख का, और जब संपूर्ण रिक्ति आएगी तो 1 लाख के आसपास और होगी, तो वो भी बहाली होगी।